मैं यहाँ पर आपको नीट के बाद ही मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ, मैं उसको एक रियल लाइफ स्टोरी है, मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि उस इंसिडेंट की वजह से मेरी लाइफ में बहुत पावरफुल इम्पैक्ट हुआ है उस इंसिडेंट की वजह से. सो लेट्स बिगिन. एक बहुत ही रैंडम डे मैं अपने मॉम डैड से ज़िद कर रही थी कि मुझे घूमने जाना है, मैं घर पर बहुत बोर हो रही हूँ और मुझे अपने फ्रेंड की तरह एक एप्पल की स्मार्ट वॉच चाहिए और एक आईफोन चाहिए. डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे पास ऑलरेडी एक फास्ट ट्रैक की वॉच है, वन प्लस का फ़ोन है और हम लोग लेह लद्दाख की ट्रिप से तभी वापस आए थे. ऑब्वियसली इतनी सारी लग्जरी होने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया. टू बी ऑनेस्ट मुझे काफ़ी बुरा लगा था उस टाइम पर. सेम डे मेरा फ़ोन रिंग किया और मुझे ये न्यूज़ मिली कि मेरी एक क्लासमेट महिमा सडनली डेंगू से एक्सपायर हो गई है. मुझे बहुत बुरा लगा ये न्यूज़ सुनकर. चाहे मेरी उससे बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी, स्टिल वो मेरी क्लासमेट थी तो मुझे काफ़ी बुरा लगा था. इस इंसिडेंट को बीते 2 मंथ्स भी नहीं हुए थे कि मेरे पास फिर से मेरा फ़ोन रिंग किया और इस बार फ़ोन पर मेरी एक फ्रेंड थी. जैसे ही मैंने फ़ोन पिक किया, शी स्टार्टेड क्राइंग रिमेम्बरिंग महिमा. और मेरे बहुत समझाने के बाद वो उसने रोना बंद किया और फिर शी सेड समथिंग जो मुझे बहुत हिट किया उस टाइम पर. शी सेड, गार्गी यू नो वॉट, जिस तरह की लाइफ तू अभी जी रही है ना, उस तरह की लाइफ महिमा हमेशा इमेजिन करती थी कि वो ऐसी लाइफ जी पाए. तेरे जैसे अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स होना जो कि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही ले लद्दाख की ट्रिप पर ले जाएं, तेरा जॉली नेचर, तेरा हर छोटी छोटी बात पर खुश हो जाना, जब पढ़ाई की बात आए तो पढ़ाई करना और जब मस्ती की बात आए तो पढ़ाई लिखाई सब भूल जाना. वो हमेशा अपने आप को ऐसे इमेजिन करती थी. और जब भी अब मैं तेरी इंस्टाग्राम स्टोरी या फिर व्हाट्सएप स्टेटस देखती हूँ तो मुझे महिमा की याद आ जाती है और मुझे बहुत रोना आता है. 2 मिनट साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोला और मैं बोलती भी कैसे. मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए इस बात पर कि कोई मेरे जैसी लाइफ के सपने देखता है, या दुखी होना चाहिए कि महिमा के सपने उसके साथ ही अधूरे रह गए. इस इंसिडेंट से मैं आज यहाँ पर बस ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम हमेशा इतने बिजी हो जाते हैं उस लग्जरी को चेस करने में या फिर उस लग्जरी के पीछे भागने में कि हम उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना ही भूल जाते हैं जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं. तो आज से ही हम सब अपने घर जाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे एंड वी ऑल विल काउंट आर ब्लेसिंग्स. थैंक यू.